आज मैं आपको गाजियाबाद के एक ऐसे बाबा से मिलवाने वाली हूँ जो कि फ्रूट चाट और मटरा चाट को मिला के एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसे खाने के लिए पूरा का पूरा गाजियाबाद दीवाना है। और इसकी मेकिंग इतनी ज्यादा मजेदार होती है कि आप देख के बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। सो चलिए देखते हैं कैसी यूनिवर्स की यूनिक मेकिंग और क्या है इसका टेस्ट। वेलकम, नमस्कार बाबा जी। नमस्कार, मुझे बताइए भाई क्या बन रहा है यहाँ पे? मटर की चाट है जी। मटर की चाट, क्या क्या डलता है इसमें? पहले आलू, पहले सेब आ गया सब में, और जो फल देख रही हूँ मैं बिल्कुल A1 क्वालिटी के डाल रहे हो। तो भाई मुझे एक बात बताओ, कितने सालों से कर रहे हो आप ये? अच्छा ये ना पूछे। अच्छा वो आपकी उम्र पता चल जाएगी? उम्र नहीं बताना चाहते अपनी, जितनी हुआ उसमें से 7-8 साल कम करके बता देती हूँ। हाँ तो आप भी बोल दो 30 साल का बोल दो अपने आपको। 45 साल लगाते हुए जिस एनर्जी के साथ लगा रहे हो ना, एकदम ऐसा लग रहा है कि ये जो चार्ट है ना ये बिल्कुल अभी आपने लगाना शुरू करा है आजकल में। ऐसा कुछ तो डालते हो भाई, गाजियाबाद वालों को दीवाना बना रखा है। मतलब फैन फॉलोइंग है आपकी, मान ले इस बात को। इतने वायरल हो रखे हो, कभी देखते हो अपनी वीडियो? फोन ही नहीं आपके पास भाई? ये बात कैसे मान ले की फोन ही नहीं है आपके पास? पैसे गिरने से मतलब है? पहले काम, बाकी सारी चीजें बाद में। बोलो वीडियो तो बनती रहेंगी, रोजी रोटी है पहले। पहले रोजी रोटी। तो भाई जिस तरीके से काट रहे हो, हाथ पाथ नहीं कटता इससे? लेकिन डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो? पहले फ्रूट सैलेड था, उसमें मिर्ची भी आ गई, ये क्या चक्कर है? और ये अदरक भी है भाई, तड़का लगा रहे हो क्या ऊपर से चाट में? अदरक मतलब चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो डालते जरूर हो। 100 रुपए की आधा किलो लाए? 100 रुपए की आधा किलो लाए हो? अरे वाह भाई वाह, हमारी जब से जाएगा। ये क्या डाल रहे हो अभी? मूंग की दाल है। मूंग की दाल आ गई और मसाला आ गया। और ये क्या डाल गया इसमें? ये मटर है। यार ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। आगे देखे थे तो सब में वही रहता है, मूंग डलती है, चाट मसाला डलता है और मटर डलता है, खट्टी मीठी चटनी डलती है और ये आगे ऊपर से मसाला। वाह भाई वाह, ये क्या डाला इसमें? खट्टा पानी मीठा पानी। तो ये सब तो घर में तैयार करना होता होगा? तो मतलब घर से ही तैयारी शुरू हो जाती है? अच्छा सुबह से लगे हो। तो ये सारा जो भी जो तैयार कर रहे हो, पैकिंग का तैयार कर रहे हो? अच्छा ये बच्चों के लिए देते हैं? बाबा बच्चों से भी प्यार करते हो पूरा? 44 साल से आपकी दुकान चल रही है। ये जो मटर होता है गर्म होता है? मैंने नॉर्मल जो देखा है ना, वो छोले जो होते हैं वो कुलचे के साथ खाए जाते हैं। मुझे बताओ अभी भी अपने हाथों से तैयार करते हो सारी की सारी चीजें? और ये गुड़ किसी को सिखा के नहीं जा रहे? किसी को नहीं। मेरे को भी नहीं बताओगे? आपके बस की नहीं है भाई, देखो बोल रहा कह रहा मेरे बस की नहीं है। आपको कैसे बताया टैलेंट मेरे अंदर है कि मैं बना नहीं पाऊंगी? बाबा जी चाट खाने आते हैं लोग या लेकिन अंकल आपसे मिलने के लिए आते हैं? भाई मुझे लगा इतने टाइम से आ रहे, लगता है आपसे मिलने आते होंगे। लेकिन हम तो आए यार मिलने के लिए, हम भी चाट खाने हैं। नहीं नहीं ऑर्डर रहती हूँ, यहाँ नहीं रहती। मुझे बताओ जैसा जो मांगता है, खट्टा मीठा सब बन जाता है? बच्चे वाला अपनी तरफ से बना के देते हो? तो क्या हमें क्या बड़ों में कंसीडर करोगे या बच्चों में करोगे? बच्चों में ही करोगे। मुझे बताओ बाबा आपको क्या शौक है पैसे कमाने का? यार घर जाओ आराम से, रिटायरमेंट एंजॉय करो। पैसे की बुढ़ापे में जरूरत होती है? यार बुढ़ापे में क्या जरूरत है, जरूरत तो हम लोगों को है। तुमने देखा होगा मांगने वाले बुजुर्ग जो होते हाँ। बड़े घरों के भी है, छोटे घरों के भी, बुढ़ापे में क्यों मांगे? उन्हें पैसा नहीं मिला, घर वाले उन्हें पैसा देना से देगा टाइम, जैसे अपने बच्चों को देना है ना, बस 10 तू ले 20 तू ले, ऐसी उन्हें देना से ज्यादा मांगे ना। तो आपको आपके घर में बच्चे पैसे नहीं देते? उम्र बताते हो अंकल आप अपनी? नहीं बताते, मेरी तरह हो या झूठ बता देते हो? झूठ बोल रहे, उम्र से क्या हो रहा है अंकल? एक बताओ इतनी ये फ्रूट चाट है इसमें भर भर के हरी मिर्च क्यों डालते हो, पहले तो ये बताओ मुझे। मटर भी मतलब ये है कि एक बार जो हरी मिर्च खाता है ना दिमाग खुल जाता है उसका? ना ऐसी बात नहीं, बढ़िया हो है। हाँ मंडी भी जाता हूँ, तैयारी भी करूँ, मैं लगा रहता हूँ, हिम्मत का वाली कहाँ की बात। तो शरीर जवाब नहीं देता कि आराम करो ना? मतलब ये है कि रिटायरमेंट नहीं चाहिए आपको? 54-55 साल का हूँ अभी से रिटायर। फिर कह दूंगा मैं 65 का हूँ, उसका 55 और यार तेरी उम्र तो लगना रही, क्या इलाज है अंकल? आप तो 40 के लग रहे हो यार। 40 का ही
आपको ये नहीं लगता कि मैं काम ना करूं यार, कोई खर्चा वर्चा उठा ले, मजे आ जाएंगे, मैं आराम से टीवी देखूं, मस्त बेकार हो जाएगा आदमी, दूसरे की तरफ को लगाएगा। ये आप कहना चाहते हो जब तक शरीर चल रहा है तब तक बढ़िया है, चलाना चाहिए। आपने हिम्मत हारना नहीं सीखा तो क्या चीज है ऐसी आप जो आपको इस उम्र पे इतना फुर्ती से चला के रख रही है? पता नहीं ऊपर वाले की देन है क्या, लेकिन आपकी कोई मजबूरी नहीं है, बस ना मजबूरी कोई। ये क्या आलू डाल रहे हो? आलू है, मतलब अभी तो कोई ग्राहक नहीं, अभी से बना के तैयार कर रहे हो? चार पत्ते बना रहे हो, कोई आ जाए। जैसे ये काम कर रहे हो तो ये किसी ने सिखाया था या फिर खुद से ये आइडिया लगाया? सेठ से सीख के कोई है, चोर डकैत वकील वकील सब यही बना। आपकी ना बातें बातें बिल्कुल मस्त बढ़िया लगी मुझे। बताओ जो कमाते हो आप क्या करते हो, पार्टी वार्टी करते हो? एक लड़की NHC करके NED कर ली है, एक लड़का छोटा वाला दिल्ली पढ़ रहा है, एक बड़ा लड़का नौकरी करता है वो है महाराष्ट्र, एक लड़की है जिन्हें भी NHC करके NED करी है वो भी टीचर है, पढ़ा रहे ऐसी है, छोटे को मैं पढ़ा रहे हूँ, मेरा भी टाइम कट जा। मुझे तो लगा यार आप पैसे ऐसे कमा लेते होंगे, मस्त पार्टी करने जाते होंगे। पार्टी की हमको शराब पीने, मतलब सब कुछ डलेगा इसमें, टमाटर मूंग मटरा कुछ भी नहीं छोड़ा आपने, कुछ छोड़ा हुआ इस चाट के लिए, जो एक बार खाएगा दोबारा यही आएगा, दोबारा यही आएगा, ऐसे खिलाएंगे प्यार से। कोई जाओ कोई आओ, आओ वेलकम, जाओ तो वेलकम। भाई पहले बताओ मुझे क्या खिला रहे हो? चाट खा लो, बाकी बिल्कुल अपने जैसे बनाते हो ना बिल्कुल वैसी बनाना। ये आगे ऊपर से मसाला, ये आगे इसमें पीली मिर्च, और ये मिलाया जा रहा है ओहो शाही अंदाज में एकदम। ये क्या है भैया, ये जादू का पिटारा? ये मैं लेके जाऊंगी आज आपका। ये खट्टा पानी है, ये वाला मीठा। मैंने इतना डिफरेंट कॉन्सेप्ट पहली बार खाया, और मटर हमेशा मैंने कुलचे के साथ खाए, यहाँ पे कोई कुलचा नहीं है, बिल्कुल पत्तल के अंदर इसको सर्व किया जाता है, मजेदार तरीके से इसको बनाया हुआ है। रेट रहता है इसका 40 रुपए, तो इसको जल्दी से खाती हूँ और टेस्ट करके बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। मटर प्लेन मटर का टेस्ट आ रहा है, साथ में फ्रूट का टेस्ट आ रहा है, और जो इसमें बनाना डाला हुआ है ना उसके साथ जो फ्लेवर निकल गया है एकदम मस्त है, मजेदार है, एक बार ट्राई करना तो बनता है। मुझे फ्रूट के साथ ना मटर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा, मसाले एकदम नॉर्मल है मीडियम है, आप चाहो तो आप बढ़वा सकते हो, हरी मिर्ची मैंने डलवाई है, मुझे टोटल बॉसेट लगा। एड्रेस हमारा यही है पंजाब नेशनल बैंक, टाइम यही है 6:30-7 के करीब, 7 तक आ जाऊँ मैं यहाँ पे, इसको खाती हूँ इंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेल देन हंसते रहिए हंसाते रहिए, और अगर कुछ रहना है तो भाई मेरी तरह खाते रहिए।